दोस्तों हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात को वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो कुछ भी करते हैं या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान को वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसके हर एक बात और काम के वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, डोंट बी टू अवेलेबल फॉर एनीवन। कि आप किसी के लिए भी कभी भी अवेलेबल रहते हैं, जब भी उस इंसान की जरूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी नहीं समझ पाएगा और न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उसका दाम कम होता है और जो चीज़ जरूरत से ज़्यादा कम होता है उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। आप जितना ज़्यादा जरूरत से कम अवेलेबल रहेंगे दूसरे आपकी उतना ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। नंबर टू, से लेस। कि आप किसी से हद से ज्यादा बातें करते हैं, कि आप ज्यादा बोलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो, अच्छा ज्ञान देते हो, पर आप हद से ज्यादा बोलते हैं तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग दिखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे लोग ध्यान से सुनते हैं। आप ही अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोले। आप जितना कम बोलेंगे आपके बात की उतनी ही ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर थ्री, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको लग सकता है कि अपना समय किसी दूसरे इंसान के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतजार करके बिना मतलब के बातें करके साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद है जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। नंबर फोर, अपनी तारीफ खुद से न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी तारीफ हद से ज्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करता है उस इंसान की वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह का इंसान कुछ भी नहीं करते, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती कभी ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। नंबर फाइव, मेक योर मार्क। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे आपके दोस्त भी आपको उस प्रकार का ही वैल्यू देंगे। आप अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं।